तो अब हम मीटिंग का आगाज करते हैं। हमारे सामने तीन पॉइंट है। आज हम जो बातें करने जा रहे हैं वो तीन नुक्ते पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जो मौजूदा सूरत हाल है वो है, जैसा कि हमको पता है, सैयदी जी काठमांडू तशरीफ ला रहे हैं। 10 तारीख को काठमांडू में उनकी आमद है, 20 तारीख को रवानगी है, 10 दिन का उनका स्टे काठमांडू में। तो इंडिया से बहुत से लोग जा रहे हैं, पूरे इंडिया से जा रहे हैं, मैंगलोर, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश से, चेन्नई से भी जाएंगे, हैदराबाद से, गुलबर्गा से, इधर आ जाओ अजमेर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, बिहार से, कुशीनगर से, यूपी से बेशुमार लोग, मुरादाबाद से, रामपुर से, बनारस से, भदोही से, बनारस से, अब बम्बई से भी बेशुमार लोग जा रहे हैं। बम्बई तो खैरगढ़ है। तो इस 10 दिन में पहुंचने का है, कोई शुरू में पहुंच जाएगा, कोई एक दो दिन बाद पहुंचेगा, जिसको जैसी सहूलत होगी वैसे पहुंचेगा। तो जो लोग जाने की नियत रखते हैं वो तो ज़रूर जाएंगे, किसी भी हाल में जाएंगे। अगर किसी को जाने की शदीद आरजू है, चाहत है उनकी बारगाह में पहुंचने की, और कोई दुनियावी दिक्कत आ रही है, दुनियावी दिक्कत क्या, घरेलू मसला है, वो तो उसको खुद निपटाना है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम है, किराए भाड़े की कोई टेंशन है, तो उसकी टेंशन नहीं ले, उसकी टेंशन दूर करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पर, उसकी उतनी तो मदद ज़रूर करेंगे जितने में वो जाके आ सके। यही प्रॉब्लम अगर है तो ये मदद हो जाएगी। उसके लिए हमने ग्रुप में भी डाल के रखा हुआ है कि जो लोग शदीद ख्वाहिश रखते हैं मालिक की बारगाह में पहुँचने की, और वो जाना चाहते हैं वाकई, लेकिन इस किस्म की कोई सिचुएशन है तो उसके लिए उनको चिंता करनी जरूरत है, हमको फौरन बताएं, हम ले जाएंगे उनको। अगर कोई बंदा वाकई जाना चाहता है तो उसकी मदद करेंगे। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, जैसे हमारे एक मोहम्मद अली भाई, वो जाना चाहते हैं। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से अब उनकी फिक्र है कि उनको कैसे पहुँचाएगा, क्योंकि उनको फालिज का असर है, सफ़र भी कोई 2-4-10 घंटे का नहीं है, कम से कम 3 दिन का सफ़र है। भाई 2 दिन यहाँ से गोरखपुर और 1 दिन वहाँ से आगे, 3 दिन हो गए, 3 दिन का सफ़र, और फालिज वाला आदमी चलने फिरने का उसको दिक्कत, तो उसके लिए एक आदमी हमेशा उसके साथ होना चाहिए, ताकि उसको कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिसकी वजह से वो पीछे छूट जाए। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं बता दिया हूँ। अगर कोई बंदा इतना मुखलिस है कि ठीक है मैं उसको अपने साथ, उसके साथ साथ जाऊँगा, मैं उसको ले जा सकता हूँ, भाई मैं जा रहा हूँ तो उसको भी लेके जाऊँ, उसकी देखभाल करूँ,
अगर कोई इस नियत से उसकी मदद कर दे तो बाकी का इंतजाम मैं करूँ, लेकिन जिस्मानी तौर पर तो उसकी मदद की ज़रूरत है। समझ गया? तो अगर कोई मूड बनाता है कि ठीक है हम जाएंगे साथ में लेके जाएंगे, भाई हम तो जा ही रहे ना, जरा स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा? उनका एक और भी फायदा है, जो विकलांग डिब्बे में जाएंगे टिकट भी नहीं रहेगा, साथ में एक आदमी भी जाएगा साथ में। विकलांग वालों का ये फायदा है और उसका टिकट मतलब ऐसा टेंशन नहीं, डंडे से तो चलते हैं ना, वो डंडा रख के चल फिर लेते हैं, कोई वो नहीं है बात। हाँ चलते हैं डंडे पकड़ के, वैसा भी थोड़ा बहुत लेट से पहुँचेंगे जगह पे, धीरे धीरे बंद कर का इसका? ये बोलो बात काम फटाफट हो जाए। इस्माइल भाई मैंने जो बोला मतलब कोई जाए साथ अगर तो उनके लिए सपोर्ट हो जाए, आप अकेले जाएंगे परिवार के साथ? मैं अकेले हूँ, चार घर के पास सपोर्ट करें, हर जगह तो गाड़ी से ही जाना है, कैसे उनको पैदल लेके जाना? मैं तो हूँ। आप तो गांव से जाओगे? नहीं यहीं से जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट जाएंगे, यहीं से गांव नहीं जाएंगे। ठीक, तो आप उनकी मदद कर देंगे? बहुत अच्छा, तो आप हैं लेकिन रिजर्वेशन तो है नहीं, तो विकलांग में बैठना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आप हैं तो दो और लोग भी, ऐसा नहीं कि आप अकेले, तो और भी लोग वैसे हैं, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं तो यहाँ से कौन कौन जाने वाले हैं? अख्तर भाई आप का इरादा है जाने का? हाँ, दो तीन दिन में फाइनल फाइनल हो जाएगा। पैसे की अगर दिक्कत की वजह से होगी तो आप बता देना मुझे। वही चीज़ है। अच्छा एक चीज़ याद कर रहे, हाँ जो मतलब अच्छा है यहाँ से वहाँ तक, ये मेरे को आप बताएं, आने जाने का जो खर्चा है ज़्यादा से ज़्यादा 4,000, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000, आना जाना सब, खाना पीना सब होगा, तो कोई ज़्यादा 5,000-6,000 कम से कम समझ लो, 4 मैं कम से कम बताया हूँ आने जाने का, आप थोड़ा सा ठीक है। हसन भाई आपका क्या है प्रोग्राम? एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं मोहम्मद अली भाई को इधर से लेके जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेके जाऊँगा, लेकिन उधर से आने के लिए मैं नहीं कर पाएंगे, गांव जाएंगे ना जी, उधर से आने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं, वो जाएंगे उनके साथ, क्योंकि जो जाएंगे वो तो वापस आएंगे ना, हाँ ये लोग भी आएंगे, मतलब इनका कहना है मतलब यहाँ से जाने के लिए तो इनके साथ में आए थे, फिर बाकी लोग ये सोचे मतलब यही लेके आए, तो इसकी वजह से वो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो भी है अभी इधर से ही सही बोल रहे हैं। गोरखपुर तो वैसे भी आना ही है साथ में, गोरखपुर के बाद साथ में तो गाड़ी भी बैठा देंगे तो उतर जाएंगे बम्बई, कोई बात नहीं, एक बात कह रहा हूँ, जो जो जैसा रहेगा वो बताना जरूरी है। हम भी जाएंगे ना तो हम रहेंगे, पिछले मंथ में रहेंगे अकेले, नहीं है सपोर्ट के लिए बताया जाए, अब आप उनको लेके गए थे साथ रहेंगे, दवा दवा लेके गए, बाकी तो दिक्कत लगता है क्या देखेंगे फैमिली के ऊपर, तो है ना फैमिली का मतलब, फिर भी एक एहतियात है हम जाएंगे भाई, फैमिली तो मानते हैं नहीं मानते जिला का बिना त्याग और बलिदान के कुछ नहीं।